सबसे पहले एडिंग डालो आप लोग लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू जीरो इज कैन बी टर्म्ड एज लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। यहां आप इसको ले लो y इज इक्वल टू ax प्लस बी, दोनों केस में ये लीनियर इक्वेशन होती है। और अगर आप इसको बहुत बार डिफरेंशियल के फॉर्म में देखते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ही आप उसमें देखते हो, तो जो इसका ए वाला पार्ट था उसको आप स्लोप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्लोप ऑफ लाइन। क्या बोल सकते हो? स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। नाउ अगर अपन बात करें तो लीनियर इक्वेशन कैसे हो सकती है, लेट्स से 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू कितना, जीरो, गेटिंग इट। तो 2x प्लस 3y, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करने की क्या लिखोगे, इज इक्वल टू कितना, माइनस 5, इज इक्वल टू कितना, माइनस 5। अब सर पहले दो तीन इक्वेशन देखते हैं ये सॉल्व कैसे कैसे तरीके से हो सकती है, फटफट सीखेंगे। मेरे पास एक इक्वेशन है, लेट्स से x प्लस y इज इक्वल टू 7 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। अगर इसको सॉल्व करना है तो दो एंगल है, एक तो y की टोपी तो सेम ही है, दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर लो, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे प्लस y है और यहाँ पे क्या है, माइनस y, तो आप चाहो तो दोनों इक्वेशन को ऐड ही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट क्या है, सेम। तो y से y आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास इनडायरेक्टली अगर आपने इक्वेशन को ऐड करा है तो 3x is equal to कितना आ जाएगा, 9। Now for that x equal to कितना आ गया, 3। और अगर x 3 है तो आपके पास y कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। सर अगर एक और बात समझे कि कभी इक्वेशन दी भी हो ऐसी 5x plus 8y is equal to 13 और आपको बोलकर 12x minus 5y is equal to कितना, 7। तो सर यहाँ पे गेम आता है इनकी टोपीज मल्टीप्लाई करने का, क्या मल्टीप्लाई करने का, टोपीज मल्टीप्लाई करने का। तो एक तरफ 5 है, एक तरफ क्या है, 12। सर ये तो मैं थोड़ा सा बहुत बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ कि अगर अपन बात करें तो इसकी टोपी कितने की, 5, और इसकी टोपी कितने की, 12। तो ये इंटू 5 हो जाएगा, ये इंटू कितना हो जाएगा, 12। तो 12 इंटू 5 कितना हो गया आपके पास, 60x प्लस 72y। 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा अगर अपन बात करें तो, 156। 5 into 12 is something again 60x, 5 into 5 is 25y, and then 5 into 7 is 35. तो सर अगर अपन बात करें, 12 into 8 is 96, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें तो 60 क्या हो गया, कैंसिल। 96 plus 25 अगर अपन बात करें तो ये आपका हो जाएगा 121y is equal to, शायद यहाँ पे भी देखोगे तो 121। For this आपका y कितना हो जाएगा, 1। और अगर y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सबकॉन्शियसली x is equal to कितना आ जाएगा, 1। ये तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका हो गया। अब अगर अपन थोड़ा सा आगे जाए कि किस किस प्रकार की दो इक्वेशन बन सकती है, तो अगर कोई भी इक्वेशंस दो इक्वेशंस है जिसमें अपन उसको लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसे में इस वाले पार्ट पे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब लाइंस अगर मैं आपसे बात करूं कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट के साथ उनके होते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। कब लाइंस अगर मैं आपसे बात करूं तो पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस के होते हैं शायद नो सॉल्यूशन अगर अपन बात करें। और कब लाइंस अगर मैं बात करूं तो आपकी यूनिक सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस विथ यूनिक सॉल्यूशन। तो सर यहाँ पे कहीं ना कहीं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे आपके बारे में बात करें तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू
सी वन अपॉन सी टू, इसपे के फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हम अभी एक दो एग्जाम्पल्स में करेंगे। अगर अपन बात करें कि सर ऐसी इक्वेशंस के एग्जाम्पल दो, तो नॉर्मली और इनके ग्राफ के भी एग्जाम्पल, तो मैं अगर बात करूं तो पहली वाली जो इक्वेशन होती है उसका सबकॉन्शियसली ग्राफ, अगर एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन क्या है आपके पास सी डी, लाइन आपके पास ए बी और दूसरी लाइन क्या है आपके पास सी डी, तो इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर बनेगा, इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर बनेगा, मतलब ए बी के ऊपर ही क्या बनेगा सी डी, ए बी के ऊपर ही क्या बनेगा आपके पास सी डी। सर ठीक है, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लाइंस पैरेलल होती है, मतलब अगर एक ए बी बनेगा दूसरा उस केस में आपके पास सी डी बनेगा, तो लाइंस क्या हो जाएंगे आपके पास पैरेलल। विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व होती है, तो ये लाइंस कुछ ऐसा बनता है जहां पे आपके पास एक कॉमन यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है, एक्स की एक वैल्यू निकल के आती है और वाई की एक वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, अब अगर अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल बेस देख लें कि इनका एग्जाम्पल बेस क्या रहेगा, तो लेके चले तो कोई भी इक्वेशन अगर एस फॉर्म की है, लेट्स से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, तो सर इसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू e अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 5 अपॉन 10, अगर आप करके देखे तो ये 1 बाय 2 अगेन 1 बाय 2 अगेन 1 बाय 2। सर अगर अपन थोड़ा सा आगे चले तो ये इक्वेशन कैसी रहती है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, लेट्स से 5x प्लस y इज इक्वल टू 12, दूसरी इक्वेशन मिल सकती है आपको 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 80, कुछ भी हो सकता है, गेटिंग इट। अब यहाँ पे एक बात तो अच्छी है सर, यहाँ पे कहते हैं सब इक्वल है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, इसका a1 कितना है 5, a2 कितना है 10, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, और c1 अगर c2 की बात करें तो c1 कितना आपके पास अगर मैं बोलूं तो 12 और ये 8, तो सर ये तो 1 जा ये 2 जा, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू व्हाट b1 अपॉन b2, बट इज नॉट इक्वल, क्योंकि इनके तो कुछ कट के बस हो रहे हैं 6/40, या मैं और अच्छे से बोलूं तो 3/20, तो सर ऐसे केस में लाइंस कैसी बनेंगी पैरेलल, लाइंस कैसी बनेंगी आपके पास पैरेलल। नॉर्मली आप और मैं कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं 2x plus 8y is equal to 15, 9x minus 2y is equal to 7, ऐसी कोई सी भी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो वो नॉर्मल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। सर एक मौके के तौर पे अगर एक क्वेश्चन समझा जाए कि इसका क्वेश्चन कैसा आता होगा, आपको बोलते हैं द इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन एंड फाइंड के। अभी सर ऐसे में क्या होगा, आपको इक्वेशन ऐसी मिलती है 2x plus ky is equal to 5, और फिर आ जाएगा आपके पास 4x plus 6y is equal to 10। अब आपको इसमें k की वैल्यू निकाल, अभी सर ये तो आपको पता है कि ये a1 है और ये क्या है a2, तो 2/4 is equal to k by 6 is equal to कितना 5/10। सर ये 1 जा ये 2 जा ये 1 जा ये 2 जा, तो ये भी 1 by 2 ही होना चाहिए, तो can we say k by 6 is equal to कितना 1/2, तो ये 1 जा और ये कितना 3 जा, by this k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3। तो सर क्या ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मैंने बोला हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते ही हैं, इसी में ए और बी वाले भी आते हैं क्वेश्चंस, उसको भी अपन देखेंगे, पहले थोड़ा सा जॉट डाउन कर लूँ अपन आगे। जो पहला क्वेश्चन आपको गिवन था शायद वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर इक्वेशन आपको इस प्रकार से गिवन है, कितनी 6x/2 वाली है कि 6/x वाली बोली, 6/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5, देन 9/x प्लस 4/y इज इक्वल टू व्हाट 7। इफ यू नीड टू सॉल्व
आपको लगाना क्या पड़ेगा, एलिमिनेशन फटाफट से। सर कैसे एलिमिनेशन, मैंने बोला कुछ मत करो, किसी की भी टू भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ तो एक्स की यहाँ तो वाई की, मेरे को अच्छा लग रहा है वाई की टू मल्टीप्लाई करना, तो वाई की टोपी कितने की है, 3 की, और यहाँ से एक्स की टोपी कितने की है, 4 की। तो सर ऐसे में इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, जितना मुझे दिख रहा है 4 × 6 कितना हो गया 24/x, 4 × 3 कितना हो गया 12/y is equal to 20, 3 × 9 कितना हो गया 27/x, 7 × 4 कितना हो गया 28/y is equal to, sorry, 3 × 4 कितना हुआ 12, अगेन यहाँ पे 12 अगर अपन लेके चले, चले तो अगर अपन बात करें तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास 12/y is equal to what 21, माइनस माइनस एंड माइनस, शायद ये से क्या हो गया कैंसिल, 24/x माइनस 27/x अगर अपन बात करें मेरे ख्याल से कितना हो गया माइनस 3/x, 20 माइनस 21 इज माइनस 1, सो फॉर दैट अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू व्हाट 3। अब अगर x इज इक्वल टू 3 हो गया आपके पास तो y कितना होगा, तो मेरे पास 6/x मतलब 6/3 प्लस 3/y इज इक्वल टू 5, शायद 1 ये 2 2 चला जाएगा उधर, तो 3/y इज इक्वल टू 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3/y इज इक्वल टू 3। नाउ फॉर दैट y कम्स आउट टू बी व्हाट 1, y कम्स आउट टू बी 1, तो आपके पास x 3 आ गया और y कितना आ गया 1। ठीक है सर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला हाँ मुझे तो अच्छा लगा, एक बार आप भी देख लें। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ी सी आपसे चालाकी इस प्रकार से करेंगे ये कि आपको दिया गया है x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 3, 2x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट 11, सर ठीक है, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 11। आपको समझना पड़ेगा कि इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो टोपी ही मल्टीप्लाई कर, अगर अपन चल लेके चले कि सर इसकी टोपी कितने की, शायद इसकी टोपी 1/2 की है, गेटिंग इट, और इसकी टोपी कितने की 2, तो सर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसकी टोपी है 1/2 उसको पूरे 1/2 से मल्टीप्लाई कर, हमको टोपी पे वर्क करना पड़ेगा। टोपी का मतलब है कोएफिशिएंट, टोपी का मतलब क्या है कोएफिशिएंट, ठीक। अगर अपन बात करें तो 2 × 1/2 मतलब कितना हो गया आपके पास x, 2/3 y, और 2 × 3 दैट इज इक्वल टू कितना 1/2 × 2x इज व्हाट x, 1/2 × y इज 1/2 y, 1/2 × 11 इज 11/2, ठीक है, माइनस माइनस एंड माइनस, x में से x क्या हो गया कैंसिल, यू हैव कम आउट विद 2/3 y माइनस 1/2 y इज इक्वल टू 6 - 11/2, 2 × 6 = 12, 12 - 11 इज 1/2, तो और यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना है 6 × 2 × 3 दैट कम्स आउट टू बी 4y - 3y is equal to 12 - 11/2, its y/6 is equal to 1/2, y is equal to 3। अगर अपन बात करें, एक क्वेश्चन नो सॉल्यूशन वाला ले रहा हूं आपके लिए ताकि इजी हो जाए आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x plus ky is equal to 10 and 3x plus 5y is equal to 8। आपको बोला है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन के टाइम पे जितना हम समझ पा रहे हैं इट वुड बी a1 / a2 इज इक्वल टू b1 / b2 बट दैट वुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट c1 / c2। तो सर अगर हम समझे और आराम समझे तो ये हो जाएगा 2/3 शुड बी इक्वल टू व्हाट k/5 बट शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट 10/8, तो इसको तो हटाई दो पूरा, यहां से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी एंड द k वुड बी 10/3, k वुड बी 10/3, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 11 से अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ क्वेश्चंस गिवन है, बट द फैक्ट इज मैं आपको दोनों चीज समझाता हूं। जब भी आपको किसी भी एमसीक्यू में ऑप्शंस दिए होते हैं तो ऑप्शंस को देख के आंसर निकालना बहुत इजी होता है। तो ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आपको कभी भी लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन टफ नहीं पड़ेंगे, बट अगर ऑप्शंस नहीं दिए होंगे तो आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। जैसे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 थी वो क्या बोल रहा है आपको, 10 years ago यशवंत वॉज ट्वाइस अनुराग, ठीक है ना, ट्वाइस एज ओल्ड एज अनुराग, ठीक है। और 10 years later यशवंत विल बी 4/3 times एज अनुराग। अभी पहले बात तो आज यश को अपन ने क्या मान लिया, एक्स, और अनुराग को क्या मान लिया, वाई, एक्स देन वाई, सीधी बात। तो सर 10 years ago अगर 10 years ago जा रहे हो तो शायद मेरे ख्याल से यशवंत क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10, बाकी नहीं, और वो ट्वाइस ऑफ अनुराग था, तो ट्वाइस ऑफ अनुराग कब, आज की 10 years ago, तो ट्वाइस ऑफ व्हाट, वाई माइनस 10, क्योंकि बोला है यशवंत वॉज ट्वाइस अनुराग कब, आज के 10 years ago, 10 years ago, तो अगर आज यशवंत एक्स का और अनुराग किसका है, वाई का, तो यशवंत का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10, और अनुराग का क्या हो जाएगा, वाई माइनस 10। तो सर अगर अपन सिस्टमेटिक बात करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 2y-20, एक्स माइनस 2y is equal to minus 20 plus 10, that is equal to minus 10, ठीक। और बोला है 10 years later, अगर मैं आपसे बात करूं 10 years later यश would be 4/3 of what, अनुराग। तो सर यश की एज क्या हो जाएगी, x plus 10 is equal to 4/3 of अनुराग of what, y plus 10, it would be x plus 10 is equal to 4/3 of what, y plus 10, ये चला गया इधर, it would be 3x plus 30 is equal to what, 4y plus what। सर अगर ऐसे में समझा जाए या करने की कोशिश की जाए तो आप किस तरफ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके पास, मैं एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिखाना चाहता हूँ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ नहीं होता, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एज पर सब्स्टिट्यूशन आप एक चीज बोल सकते हैं, सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ और अपना एक्स एक तरफ, अपना एक्स एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ और अपना एक्स एक तरफ। तो आप कुछ मत करो, फर्स्ट वाले इक्वेशन से एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सर व्हाट डू यू मीन, मैंने बोला इस, मैंने इसको इधर भेज दिया, एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस 10 प्लस कितना, एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2y, वो वैल्यू आपको इस वाली इक्वेशन, दिस वॉज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन व्हाट, 2, आप इसमें रख के देखिए, तो 3 इंटू अगर मैं बात करूं माइनस 10 प्लस 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 4y प्लस 40। तो अगर मैं बात करूं और सिस्टमेटिक बात करूं तो 3 इंटू माइनस 10 इज माइनस 30, 3 इंटू 2 इज 6y प्लस 30 शायद इज इक्वल टू 4y प्लस 40, शायद 30 से 30 गेट कैंसिल, अगर आप देखेंगे तो 6y माइनस 4y, ये जो 4y है यहाँ से इधर आ जाएगा इज इक्वल टू व्हाट, 40, 2y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 20। सर देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर ऑप्शंस दिए होते तो अपन नॉकआउट कर सकते थे, उसको अपन अभी सीखेंगे भी कि ऑप्शंस को देख के आप कैसे नॉकआउट कर सकते हो जो अगले वाले फोटोज भेजे, बट अगर ऑप्शंस नहीं दिए तो क्या ये सॉल्व करना पड़ेगा, यस। क्या ये इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, यस। आपको क्या एक नंबर को एक्स और दूसरी चीज को वाई मानना पड़ेगा,
तो द आंसर इज यस. अगर अपन बात करें तो मेरे पास एक क्वेश्चन है. अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 देखूंगा जिसमें आपको गिवन है कि द डिफरेंस ऑफ टू डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर, डिफरेंस ऑफ टू डिजिट, डिफरेंस ऑफ टू डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज टू एंड द नंबर एंड द सम ऑफ एंड द सम ऑफ नंबर and the number obtained by reversing the digit is 1110 is what 1110. पहली बात तो कोई भी अगर मैं आपसे बात करूं सिंपल सा ही बात करूं तो कोई भी टू डिजिट नंबर होगा वो कैसा होगा अगर अपन बात करें तो सर टू डिजिट नंबर कोई भी होता है तो इस प्रकार का होता है कैसा जैसे कि 23 हो गया. इसी का रिवर्स नंबर क्या होता है 32 ओके ना जैसे कि 45 हो गया उसी का रिवर्स कितना होगा 54. अभी सर जब भी आप कोई नंबर टू डिजिट नंबर लिखते हो तो विश्वास मानो बचपन में हम कहते थे 2 × 10 + 3 × 1 हाँ कि ना. और अगर उल्टा नंबर होता तो हम लिखते क्या थे 3 × 10 एक्सपांडेड फॉर्म या 2 × 1 ऐसे करते थे. पढ़ो तो याद करो यहाँ पे अब हमेशा के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी और बोले मसाला अगर आप समझ जाओ तो समझ जाओ वरना चाहो तो इसको रट भी सकते हो कि हमेशा हम यूनिट डिजिट का नंबर हमेशा क्या मानेंगे एक्स टेंस डिजिट का नंबर हम हमेशा क्या मानेंगे वाई. यूनिट डिजिट का मानेंगे कितना एक्स टेंस डिजिट का कितना मानेंगे वाई. अब ऐसे में ओरिजिनल नंबर क्या बन जाए हमेशा ध्यान रखिए जो नंबर यूनिट पे होता है वही वन से मल्टीप्लाई होता है और जो टेंथ होता है वो टेन से मल्टीप्लाई. तो ओरिजिनल नंबर जो भी आपका होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा. अगर अपन देखें तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वन क्योंकि 10 डिजिट पे कौन है वाई और 1 डिजिट पे कौन है एक्स. तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वन. अगर मैं रिवर्स नंबर की बात करूं तो रिवर्स नंबर आपके पास हमेशा उल्टा हो जाएगा मतलब जो पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ वो कैसे मल्टीप्लाई होगा 10 से मतलब 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वन. क्या सर ये बातें समझना जरूरी है? हाँ तो हमेशा से ध्यान रखिएगा आपका ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x रहेगा और रिवर्स नंबर क्या रहेगा 10x प्लस जो 10s प्लेस पे है उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करा और जो 1s प्लेस पे है उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करा. यहाँ तक ठीक है क्या? चले अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसी की हेल्प से हो पाएगा. सर कैसी हेल्प अगर अपन बात करके चले तो कुछ इस प्रकार की हेल्प है. अगर अपन देखें तो ये देखो ना आपको बोला है डिफरेंस ऑफ टू डिजिट इज कितना 2 मतलब यू कैन टेक x माइनस y इज इक्वल टू व्हाट 2 और आपको बोला है ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर का सम कितना गिवन है शायद 1110 ऐसे कुछ गिवन है. चेक कीजिए ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर का सम कितना है 1110. तो कहना है से ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x with reverse number is what 10x plus y is equal to 1110. So 10y plus y is equal to what 11y. 10x plus x is equal to what 11x is equal to 1110. शायद अगर आप ये common ले लें जितना मेरे को लगता है x plus y is equal to what 10. तो यहाँ पे आपके पास x plus y 10 हो गया और x minus y कितना हो गया दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे y से y क्या हो जाएगा कैंसिल. x प्लस x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 x इज इक्वल टू 6 एंड y वुड बी इक्वल टू 4. आपका नंबर क्या हो जाएगा सर देखो अगर आप ओरिजिनल नंबर को देख रहे हो तो y कितना था 4 तो 10 इंटू 4 प्लस कितना 6 ये कितना हो जाएगा 46. ओरिजिनल नंबर तो कितना हो गया आपके पास 46 और जो रिवर्स नंबर है वो क्या हो जाएगा 64. देख लो इन दोनों का डिफरेंस 2 का है क्या. हाँ सर 2 का तो है 6 माइनस 4 2 हाँ कि ना डिजिट्स का
और दोनों को प्लस करके देखोगे तो क्या 1110 आएगा। हाँ अब अगर सर ये ऑप्शन में दिया होता तो मैं इतनी लंबी पंचायत थोड़ी करते, हम तो ऑप्शन में देख लेते कौन से दो नंबर जोड़ के क्या हो रहा है, 1110 आ रहा है क्या। यहाँ तक क्लियर है, कर लो पहले इसको।